हेलो एवरीवन, अब हम जावा के वीक 10 के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग कोड नीड सम पैकेज टू वर्क प्रॉपरली। राइट एप्रोप्रिएट कोड टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड पैकेज इन ऑर्डर टू मेक द प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर सिर्फ पैकेज इंक्लूड करना थे, तो मैंने यहाँ पर दो पैकेज इंक्लूड कर दिए हैं, java.sql.astrix एंड java.lang.astrix, और बस इन दो पैकेज के बाद बाकी कोड लिखा हुआ है, तो ये कंपाइल और रन हो जाएगा। सॉरी, तो ये पास हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ जेडीबीसी कोड्स नीडेड टू क्रिएट अ कनेक्शन इंटरफेस यूजिंग द ड्राइवर मैनेजर क्लास एंड द वेरिएबल डीबी यूआरएल। चेक वेदर द कनेक्शन इज सक्सेसफुल यूजिंग इज एलिफ टाइम आउट मैथड टू जनरेट द आउटपुट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इतना कोड यहाँ पर दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करना है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट की दी गई है, ये होगा इनिशलाइज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन डीबी यूआरएल। ठीक है, डीबी यूआरएल आपका डेटाबेस में जो भी टेबल है वो है, डीबी यूआरएल आपका एक्चुअल डेटाबेस का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और उसका यहाँ पर पाथ दिया गया है क्या है। फिर यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कनेक्शन डॉट इज वैलिड है, तो कनेक्शन डॉट अगर इज वैलिड ट्रू आता है तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा और कनेक्शन को यहाँ पर हमने क्लोज करा दिया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कंपाइल और रन करके। तो ये पास हो चुका है। थर्ड प्रोग्राम पर आते हैं। थर्ड प्रोग्राम, ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन द ब्लू प्रोग्राम ब्लू कोड द कोड इज नॉट कंपाइल्ड एक्सिक्यूटेड मॉडिफाइड एंड डिबग द JDBC कोड टू मेक इट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर एरर थी, यहाँ पर डॉट एस्ट्रिक करके सेमी कॉलन नहीं था, तो उसको सॉल्व किया है और इस प्रोग्राम को देख के आपको लगेगा, क्योंकि पुराना प्रोग्राम क्या था वो मेरे पास नहीं है, मैंने चेंजेस कर दिए हैं, तो क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर आपको इससे मैच करना पड़ेगा कि और कहाँ पर कोई चेंज किया गया है जिससे कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है। पहला तो यही था कि यहाँ पर सेमी कॉलन था नहीं, तो अब इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो ये भी पास हो गया है। फोर्थ प्रोग्राम पर आते हैं। यहाँ पर हमको कंप्लीट करना है कोड को एक टेबल क्रिएट करने के लिए जिसका नाम है प्लेयर, जो कि एसक्यूएल डेटाबेस में क्रिएट होगी और जिसकी इन्फॉर्मेशन ये है कौन से कॉलम होंगे और उनका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोड दिया हुआ है और ये मैंने लिख के रखा था क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आया था कि यहाँ पर ये लिखते हैं देयर इज सम इनविजिबल कोड हेयर, तो कौन सा है, कितना कोड इनविजिबल था वो समझ में नहीं आया था, तो ये सब इनविजिबल में दिया गया था। तो हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, हमको एक क्रिएट टेबल एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या होगी, क्रिएट टेबल प्लेयर। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो UID यूजर ID नंबर है जो कि इंट वेरिएबल है, तो ये हो गया। फर्स्ट नेम वेरिएबल का नाम है और वो है वेरकेर 45, कॉमा लास्ट नेम जो कि वेरकेर है 45, फिर है एज जो कि इंटीजर वैल्यू है। बस ये क्वेरी आपको यहाँ देनी है और उसको जो स्टेटमेंट यहाँ पर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिए, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट अपडेट के थ्रू हमको इस क्वेरी को रन कराना है। बस ये दो लाइन का कोड यहाँ पर देना है, बाकी सब है। अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी।
तो देखते हैं, ये भी पास हो चुका है। अब लास्ट प्रोग्राम इस वीक का है, इसमें कंप्लीट द कोड सेगमेंट टू रीनेम एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल प्लेयर इनटू स्पोर्ट्स। प्लेयर जो टेबल बनी हुई है उसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी इनविजिबल कोड दिया है, तो बहुत सारा कोड यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर स्ट्रिंग एल्टर नाम की एक स्ट्रिंग हमें तैयार करनी है, जो होगा एल्टर टेबल प्लेयर। प्लेयर नाम की टेबल है, उसको रीनेम कर देगा टू स्पोर्ट्स। बस ये क्वेरी लगानी है, और फिर स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसको एग्जीक्यूट अपडेट के थ्रू हमें यहाँ पर एल्टर नाम की स्ट्रिंग देनी है, जिससे कि ये वाली क्वेरी रन होगी। और इसको भी कंपाइल और रन करते हैं। तो ये भी कंपाइल हो गई, पास हो गया। तो ये प्रोग्राम दोनों, ये वीक के सारे प्रोग्राम्स आपके चल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।